नमस्कार, मैं रणविजय सिंह फिलहाल भटो जमालपुर एक गांव पड़ता है लखनऊ में, वहां पे हूँ। लखनऊ से लगभग ये 30 किलोमीटर दूरी पे है। यहां की एक गौशाला है, जैसा आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, ये इसके बाहर मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ में जो लोग हैं, वो जो आप ये अभी देख पा रहे हैं, ये लोग यहाँ पे गौपालक हैं। गौपालक एक तरह से आप ये ऐसा समझिए कि जो जब ये गौशाला बनी थी तो यहाँ पे काम करने के लिए उन लोगों को रखा गया था, जो कि वहाँ की साफ सफाई करेंगे, गायों को चारा देंगे, ऐसे करके। इनकी एक अपनी समस्या है, ये समस्या ये है कि जब से ये बना है तब से इनको जो पैसा मिलना चाहिए था, एक मनरेगा मजदूर के तौर पे की तरह जितना इनको पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी समस्या क्या है, कब से इनको दिक्कत है। जी, आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार गौतम। जी राजेंद्र, क्या समस्या है ये बताइए थोड़ा सा हमें, हमारे क्या क्या दिक्कत। एक साल हो गए सर, पैसा ही नहीं मिला आज तक। और वीडियो अब तक कहते मैं चरही बनाओ, स्क्रीन शॉट डालो, जब प्रधान जी का पैसा नहीं मिला तो प्रधान जी कहाँ से बनाएंगे, अपनी तरफ से बनाया ही चरही और नान सब। कब से काम कर रहे हैं? एक साल पूरा हो गया। एक साल पूरे हो गया। किस महीने में काम कर रहे थे 2019 में? अरे यह है कब शुरू भाव रहते थे सरकार? अरे शुरू से नहीं है, शुरू से है, शुरू से। अच्छा, तो उसके बाद से क्या हुआ, आपको एक भी रुपये नहीं मिला? नहीं, रुपये नहीं मिला। तो आप लोग ने आवाज अपनी नहीं उठाई? उठाई सर, तमाम आदमी हफ्ते हफ्ते आवाज उठाई गई, मगर पैसा कोई दीज नहीं आज लगे। आवाज उठाई गई मगर पैसा मिल नहीं पा रहा। क्या क्या बता रहे हैं आप, बताइए। हाँ सर, ऐसा है, पैसा हम लोगों का जब से यहाँ गौशाला में काम शुरू हुआ है तब से एक रुपया मिला नहीं हम लोगों को। और प्रधान जी बेचारे अपने घर से खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो फिर आप लोग लगातार काम भी करते जा रहे हैं। अरे सर, अब बताओ प्रधान जी की क्या महिमा छोड़ दी हम लोग से। अरे काम न करी गई इनमें, तो बताओ कोई देखिए, कोई आई यहाँ? कोई नहीं आई, हम लोगों ने अलावा कोई आई नहीं यहाँ मगर पैसा। मगर हम लोग सूरज बिंधे हैं तो लगे हैं। क्या नाम है आपका? चेतराम। कितने आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, अगर वो क्या आ जाए, कितने? छह लोग हैं। छह गौपालक हैं। किसी को भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चर्चा क्या करते हैं आपस में, जैसे इसको लेकर? जैसे एक होता है कि किसी की सैलरी अगर रुक जाती है, चाहे वो, तो उसको लेकर आदमी बात करता है। आप लोग वहाँ पर कोई अधिकारी ऊपर से आया, उनसे कहा गया पैसा मतलब हमारे लोगों नहीं मिला, तो यही कहते हैं 20 दिन में आ जाएगा या महीना भर में आ जाएगा, आप लोगों को पैसा मिलेगा। अब हम लोग मतलब परिवारदार आदमी हैं। अब साहब, हम लोग कैसे घर दौड़ते? एक साल धीरे धीरे लमसम हो रहा है, तब तक पैसा नहीं मिला तो क्या करिए। अब हम प्रधान जरियत थे, रुके पड़े हैं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे कैसे घर बार चलाए, क्या बता रहे थे? घर बार साहब ये जब पैसा यहाँ नहीं मिल रहा, घर जाते हैं हल्ला भी किया जाता है कि पैसा साहब ये आया नहीं, तुम लोगों को क्या काम ही करते रहोगे? अब बताओ, हम लोग साहब काम कर रहे हैं और पैसा अभी तक आया नहीं। कुछ जोड़ा है आप लोगों ने कि कितना है आप लोगों का पैसा? आप लोग अगर देखें कि मान लीजिए आप में से कोई एक आदमी बता सके कि आपका इतना इतना पैसा बकाया है इस इतना महीनों में, जैसे फरवरी से ही है तो फरवरी से अब तक इतना बकाया है, कुछ आप बता सकते हैं? मार्च। प्रधान जी आप आइए, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि जैसे छः यहाँ पे गौपालक हैं। असल में ऐसा कि हमारे यहाँ पहले जब गौ आश्रय चालू हुआ था, 4 फरवरी से हम लोग चालू कराए थे, है ना, 4 फरवरी से चालू कराए थे। उस समय हमारे इस पे बाउंड्री हो रही थी, हमारी मैडम वीडियो मैडम संस्कृता मिश्रा जी थी, तो इसको मनरेगा से खुदना था, लेकिन इतना गवर्नमेंट का दबाव था कि जनवरी में होना था लेकिन वो हो करके फरवरी में चालू हुआ। तो उस पे हम लोगों ने इसको जेसीबी से करा करके, जेसीबी से खुदाई करा करके राजवीर चौधरी विद से इसके पैसा का वितरण कराया था। उसके बाद में इसमें हमने जो भी पैसा लगाया अपनी ग्राम पंचायत का पैसा लगाया है, आज तक हमको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी इसमें नहीं मिली है। बाकी गौपालक हमारे पास जो ये हैं, हमारे जब गौ आश्रय चालू हुआ 4 फरवरी से, तो धीरे 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 करके स्कोर जानवरों का जो है वो 2,319 हो गया। तो 2, 3, 4 से होते होते हमको फिर 6 गौपालक की ज़रूरत पड़ी, तो गौपालक 6 हमने रखे। 6 गौपालक में से आज तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला हुआ है, किसी को कोई पैसा नहीं। अब ये है, इन लोगों को कोई दुखी बीमार होता है घर में, ज़रूरतमंद ज़रूरत होती है, तो हम इसे कहते हैं, तो हम अपने पास से इन लोगों को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे चुके हैं। आज तक गवर्नमेंट से इन लोगों का कोई मान देना। एक दिन का कितना बनता है इनका? एक दिन का इनका 6 लोग हैं तो 181 से जोड़ लीजिए, 181 रुपये हर आदमी का बनता पर डे। हाँ, ऐसा जानकारी है कि मनरेगा से इनको भुगतान किया जाए, मनरेगा से भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक कोई विभाग में भी नहीं सुना है
मनरेगा से भुगतान करने के लिए। तो अभी आपने ये सुनी जो गौपालक हैं उनकी बात, उनकी जो समस्या थी कि उनको जो 181 रुपये हर दिन के हिसाब से मिलना चाहिए था मनरेगा के हिसाब से, वो फरवरी से जब से ये गौशाला शुरू हुई है तब से नहीं मिला है। ऐसा ही ये सिर्फ ये यहीं का हाल नहीं है, ऐसा हमने और भी गौशालाओं में जब हम गए हैं वहाँ पे जो लेबर हैं, जो गौपालक हैं, वो यही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये पहली कड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि जो भी गाय यहाँ पे छुट्टा पशु हैं, जो गाय हैं, बछड़े हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने की जो पहली कड़ी है उसी को जब पैसा नहीं दिया जाएगा तो सोचिए कि उनका जो हाल है वो तो ख़राब होगा ही।